की अद्भुत, प्रभु की अद्भुत जागीर देखी। एक हंसता है, दस रोते हैं। नमस्कार मित्रों, दोस्तों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह युग एक ऐसा युग है जहां किसी एक व्यक्ति के पास तो इतना धन है कि वह पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है, पर वह ऐसा नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के पास दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। एक हंस रहा है तो बदले में करोड़ों रो रहे हैं। कुछ इसी प्रकार की स्थिति पर वर्ष 1965 में आई फिल्म शंकर सीता अनसुईया में एक गाना फिल्माया गया है जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। एक हंसता है, दस रोते हैं। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी। एक हंसता है, दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है, दस रोते हैं। यह गीत उस दौर में लिखा गया था जब एकदम से सामाजिक हालातों पर फिल्में और गीत लिखे जाने लगे थे, और उस दौर में ऐसे गीतों को लिखने वाला एक बड़ा नाम था कवि प्रदीप, जो अपनी लेखनी और आवाज से समाज की मार्मिक सच्चाई को लोगों के सामने रखता था। आगे की पंक्तियां आपकी आंखें नम कर देंगी। हमें हंसते चेहरे चार मिले, दुखियाड़े मुकड़े हजार मिले। वह कवि प्रदीप जी, आपने क्या पंक्तियां लिखी हैं। सच में यह गीत हमारी अंतरात्मा तक को चीर देता है। चेहरे हजार मिले, यहाँ सुख से सौ गुनी पीर देखी। एक हंसता है, दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है, दस रोते हैं। यह गीत नहीं मानो भजन है। इस गीत को सुनते सुनते हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। इस गीत को जिस तरह से गाया गया है वह कोई साधारण गायक नहीं गा सकता। इस गाने को संगीत दिया है शिवराम जी ने। सुखी यहां लाखों में, दो एक सुखी यहां लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों। प्रदीप जी के बोल तथा उनकी गायकी उस स्तर की थी जहां पर आज के लेखक और गायक अपनी सोच को भी नहीं रख सकते। नमन है ऐसे गीतकार को, नमन है ऐसे गीतकार को। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी। एक हंसता है, दस रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है, दस रोते। इनके गीत जीवन के यथार्थ को व्यक्त करते हैं। इनकी जादुई आवाज आत्मा को छू लेती है। गीत के मर्म को समझकर उसमें डूबती हुई प्रदीप जी की आवाज शरीर का रोम रोम झकझोर देती है। कुछ बोल प्रभु, ये क्या माया। कभी प्रदीप जी के गीतों की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। कुछ बोल प्रभु, ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। कुछ बोल प्रभु, ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल व कुटीर देखी। एक हंसता है, दस रोते हैं। हमने इस दुनिया की अजब तस्वीर देखी। हमने देखे महल वे कुटीर देखी।
एक हंसता है दस रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। अद्भुत प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है दस रोते। ऐसे गीत उस दौर की हम अपनी हर फिल्म में जारी रखेंगे ही जाते थे। वीडियो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा, जो ऐसे गीतों का दौर भी खत्म हो चुका है। कभी ऐसे कलाकार भी आज लेकिन कभी प्रदीप जी जैसे कलाकार होगी सदा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।